अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आज मैं बना रही हूँ स्पैगेटी, चिकन स्पैगेटी। तो इंग्रेडिएंट पे जाते हैं, ये है बंद गोभी, शिमला मिर्च और गाजर, हल्दी, भुना हुआ कुटा हुआ धनिया, नमक हसबे ज़रूरत और लाल मिर्च और एक प्याज कटी हुई और एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और एक पाव चिकन। अच्छा, ये पानी पहले से मैंने बॉईल करने रखा था, अभी इसमें मैं अपनी स्पैगेटी डाल रही हूँ। ये बिग पार्लर वाली स्पैगेटी है। अच्छा, मैंने ये स्पैगेटी और ये वाली है बिग पार्लर वाली, ये स्पैगेटी मैंने इसमें बॉईल करनी रखी, ये बॉईल हो जाए अभी इसको हिलाते हैं। अब ये स्पैगेटी मैंने बॉईल करने रखी, जब तक ये बनती है तो अपना चिकन बनाते हैं। आधा चम्मच मैंने ऑयल डाल दिया और ये कटी हुई एक प्याज, अब इसको पकाते हैं। जब प्याज थोड़े से और हो जाए तो लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूँगी, फिर चिकन रखूँगी। अभी ये हो जाए थोड़े से, फिर उसमें मसाले मैंने इसलिए घर के लिए भी, क्योंकि इस स्पैगेटी में मसाला नहीं था अपना, तो अभी मैं अपने घर के ऐड करती हूँ, ऐड करूँगी। तो वैसे प्याज गोल्डन ब्राउन हो गए, तो अभी इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के और साथ में चिकन भी डाली। ये चिकन ऐड करनी है, मसाले एक करूँ, इसमें चिकन हो गई, अभी मसाले डाल दिए। अच्छा, स्पैगेटी अभी मेरी बॉयल हो गई है, अभी इसको मैं निकालती हूँ, फिर इसमें चिकन में शामिल करती हूँ। अच्छा, चिकन अभी हो गई है, इसमें मैं सब्जियाँ ऐड करती हूँ। थोड़ी सी बचा ली थी, इसमें बहुत ज़्यादा क्या प्यारा कलर है, खूबसूरत सब्जियों का ही और प्यारा कलर। ये मेरा चिकन और सब्जियां हो गई हैं, अभी इसको शामिल करते हैं उसमें। ये पतीले में मैं, क्योंकि ये छोटा है, ये इसमें ऐसे कल्टी कर लूँगी। ये जो बना हुआ है सारा चिकन सब्जियां, ये सब इसमें मैं मिक्स कर लूँगी। अच्छा, पूरी स्पैगेटी में भी मैं इसको थोड़ा सा और पकाऊंगी। सॉरी, मैं ये सॉस वगैरह बताना भूल गई थी, ये ब्लैक सॉस है और ये चिली सॉस और ये सिरका, इसमें ऐड करूंगी मैं। ये चीज़ें मैंने ऐड कर दी, अभी इसको मिलाती हूँ और दो मिनट के लिए इसको मैं कुक करूँगी बस। अच्छा, मेरी स्पैगेटी बन गई है, स्पैगेटी मेरी बन गई है। अच्छा, कल मिलूंगी आपके साथ एक नई रेसिपी के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।